20 साल की युवती ने अपने प्यार को पाने के लिए हिंदू धर्म अपना लिया। वह शबाना से पूजा बन गई और प्रेमी के साथ सात फेरे भी लिए। इस मामले में दोनों ने शादी के बाद पुलिस से भी सुरक्षा की मांग की है ताकि वे आगे का जीवन शांति से गुजार सके। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित अहमदाबाद में एक शबाना नाम की लड़की और कृष्णपाल नामक लड़के के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। वे पिछले 8-10 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते थे लेकिन उनकी उम्र शादी लायक नहीं थी, इस कारण वे छुप छुप कर मिलते थे। जिसकी जानकारी मिलने पर दोनों के घर वालों ने भी विरोध किया लेकिन दोनों ने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा साथ जीने मरने की कस्में खाई। शबाना और कृष्णपाल के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलने पर शबाना के घर वालों ने उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया। उसे कृष्णपाल से नहीं मिलने की चेतावनियां भी दी। वहीं कृष्णपाल के घर वाले भी दोनों के इस तरह से मिलने के खिलाफ थे। ऐसे में दोनों परिवारों की मर्जी नहीं होने के बावजूद शबाना और कृष्णपाल दोनों ने मढ़ीनाथ स्थित एक आश्रम में पहुँच कर शादी कर ली। यहाँ शबाना ने अपना नाम बदलकर पूजा रख लिया। अब वह पूजा यादव के नाम से जानी जाएगी। यहाँ आश्रम के महंत द्वारा दोनों के द्वारा दिया गया शपथ पत्र लेने के बाद विधि विधान से दोनों की शादी कराई गई। शबाना ने कृष्णपाल से शादी करने से पहले हिंदू धर्म अपनाया। उसने इस बारे में साफ कहा कि उसने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपनाकर कृष्णपाल से शादी की है, इसीलिए कोई उन्हें परेशान ना करे। इस बारे में उन्होंने पुलिस से भी सुरक्षा की मांग की है। पूजा और कृष्णपाल का कहना है कि गांव वाले उनके इस संबंध के खिलाफ है जिससे उनकी जान को भी खतरा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।